टैली पर उठाइए ना, अब ला रही ऊपर ऊपर नीचे ही ला, इसमें लगाओ इसमें, हाँ और ऊपर नीचे ही ला। कौन क्यों एक बजे इतवार चल इतवार लो उठाइए टैली पर उठाइए ना, अब ला रही ऊपर ऊपर नीचे ही ला, इसमें लगाओ इसमें, हाँ और ऊपर नीचे ही लाइयो ए चलो, हाँ आ जाओ इधर की साइड, ये चाल निकल जाएगी ना, फ्रंट एक्सल बैंड हो जाएगा, हाँ बस चाल निकालनी, गाड़ी नहीं हिलानी, हाँ ये हाँ ये हिला गाड़ी के उस पे झोंक पे नहीं, अपोजिट मार, अपोजिट झटका चल, हाँ मार दे फटाफट मारो जा फटाफट, हाँ ये बस हाँ ये तो बात है, नहीं अभी तो बहुत है इसमें माल, हो जाए कोई नहीं मैं बता दूंगा जैसे लगाने ना, आप चिंता ना करो, हैंड ब्रेक लगाने वाले ओट लगा दो, हाँ लगा दो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, धन गुरु नानक सत श्री अकाल नमस्ते अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आर चैनल जिसका नाम है गुरु नानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप और मैं आपका अपना अजीत सिंह। तो दोस्तों क्या हाल है आप सबके, आई होप बढ़िया ही होंगे, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। तो दोस्तों ये है 3118 12 चक्की गाड़ी है और इसमें जो प्रॉब्लम है दोस्तों, इन्होंने एक साल पहले मतलब फ्रंट एक्सल करवाया था, लगभग एक साल के करीब हो गया होगा। अब फ्रंट एक्सल की सारी चीज़ आपको बताऊंगा, एंड तक वीडियो जरूर देखना आप दोस्तों। इसका गाड़ी का एक साइड का टायर बाहर से और एक साइड का टायर अंदर से खाया हुआ है, तो आप बने रहिए एंड तक, बिल्कुल बताऊंगा आपको सब चीज़ क्या क्या हुआ इस गाड़ी में, क्या सीन हुआ। तो लेकिन उससे पहले जो मेरे भाई इस चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दबा के, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो ट्रक से रिलेटेड हैं वो आप तक पहुँचती रहेंगी टाइम टू टाइम। तो ठीक है दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों ये हमने इसका हब खोल के रख लिया है, हम खोल रहे हैं इसका फ्रंट एक्सल। तो ये सीन क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ, ये गाड़ी आई मेरे पास तो इन्होंने दिखाया मुझे टायर, तो दोस्तों टायरों की पोजीशन ये थी, इन टायरों में वैसे पता नहीं लगता जब तक हम ऊपर हाथ ना लगाएं इनके टायरों के, तो तब पता लगता है। अब जब मैंने टायर के ऊपर हाथ लगाया तो मुझे एक साइड तो बाहर से और एक साइड अंदर से, तो मैंने कहा ये तो फ्रंट एक्सल खोलना पड़ेगा, तो ड्राइवर साहब कहने लगे कि मालिक भी थे इनके, तो वो कहने लगे एक साल पहले कराया था, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कर दीजिए। तो मैंने कहा सर जी मुझे डाउट ऐसा नहीं है, मतलब ये बाकी खुलने के बाद जब प्रेस पर जाएगा ना फ्रंट एक्सल तब आपको दिखाऊंगा मैं, मतलब तब दिखाऊंगा क्या बताऊंगा भी, मतलब फ्रंट एक्सल अब कहीं इन्होंने जहाँ कराया होगा मुझे नहीं पता, इन्होंने मतलब अब बाकी खुलने के बाद ही मुझे 90% तो इतना श्योर हूँ कि वो कम ज़्यादा दबाव होगा, बाकी 10% हो सकता है कि मेरी भी गलती हो सकती है, लेकिन वो खुलने के बाद ही पता लगेगा जब मैं इसको प्रेस पर लेके जाऊँगा। तो फिलहाल हम खोल रहे हैं फ्रंट एक्सल, तो इसका लिफ्ट का भी काम होने वाला था दोस्तों, लिफ्ट में भी मतलब साथ की गाड़ी है, 2017 मॉडल गाड़ी है दोस्तों, अब चल रहा है 2023, तो 7/5/12 लगभग 6 साल के करीब हो चुके हैं गाड़ी को, 5.5 के करीब, और गाड़ी का लिफ्ट का काम भी अभी तक नहीं हुआ, उसमें भी स्पैंडलों में बहुत ज़्यादा चाल है। और जैसे कि स्टार्टिंग में देखा ये जो मैं फ्रंट एक्सल खोल रहा हूँ दोस्तों, टायर खाने की बात तो वो है ही है जो दबने की बात होगी, लेकिन स्पैंडलों में भी चाल बहुत है। अब दोस्तों ऐसा है कि स्पैंडलों में चाल तो देखो, जब शिमों से हम सेटिंग करते हैं तो हो जाता है कोई शिम एक आधी कट जाती है, तो उस वजह से भी स्पैंडलों में चाल बन जाती है, लेकिन चलो मैंने भाई को कहा, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है आप चिंता मत करो, फ्रंट एक्सल आपका कर देंगे एकदम बेहतरीन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसको हम फिलहाल खोल रहे हैं, खोल के इसको लेकर चलते हैं अंदर। और दोस्तों जब भी आप फ्रंट एक्सल कराएं ना, मतलब इनकी स्पैंडलों की चाल बिल्कुल एकदम ख़त्म करवाइए, मतलब थोड़ा सा लू, मतलब देखो अब जब लूज़ हैं ये अपना स्पैंडल, अब कई मिस्त्री क्या करते हैं,
अपने ही भाई हैं जो, देखो जो इंजन से रिलेटेड है ना, जो इंजन काम करते हैं वो तो इसको लगते हैं थोड़ा सा लूज, और जो हमारे ऐसे हैं मतलब जो कुमानियों काम करते हैं वो रखते हैं इनको टाइट, तो कायदे में तो हम टाइट ही करने चाहिए। देखो लूज अगर खोल लेंगे और लूज ही बांध देंगे फिर फ्रंट एक्सल करने का क्या फ़ायदा हुआ ये बताइए आप, है कि नहीं दोस्तों? तो मतलब जब तक वो लूज बिल्कुल हट नहीं जाते फ्रंट एक्सल में, जो चाल है वो ख़त्म नहीं हो जाती, तो तब तक मज़ा ही नहीं आता फ्रंट एक्सल करने का। तो ठीक है दोस्तों, आप बन रही है इस वीडियो में और इसको फ्रंट एक्सल को हम खोल के लेके चलते हैं। और दोस्तों आज है रिपब्लिक डे, तो आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं, आप सभी के बहुत मैसेज आ रहे थे तो उसकी आप सबको भी बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। गणतंत्र दिवस की आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो। तो ठीक है दोस्तों, बन रही है आप इस वीडियो में। तो दोस्तों मैंने भाई साहब से पूछा, जो ड्राइवर साहब है मालिक साहब है, मैंने कहा गाड़ी कितने टन के हिसाब से, कितने टन में चलती है, तो मैं उसी हिसाब से इसमें फ्रंट एक्सल को प्रेस करूँगा। तो भाई साहब से अभी मेरी बात हुई, तो आपको भी मैं सुनवाता हूँ कि भाई साहब से क्या बात हुई। तो आइए दोस्तों पहले इन जो मालिक साहब हैं इनकी सुनते हैं जो ये कहते हैं, आइए। अच्छा लेकिन बहुत सी फेरी जैसे मार चली जाए ना गाड़ी, हाँ हाँ, सत्ताईस पड़ जाए। नहीं कोई नहीं, 25-30 टन के हिसाब से कर देंगे माल बाल। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, वो मैं सेट कर दूँगा। ऐसा है ना, हम ये चीज़ ज़रूर पूछते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है आदमी ओवरलोड चलता है और हम अंडरलोड के हिसाब से करते हैं, बस कोई दिक्कत नहीं, पूछना ज़रूरी हो जाए ना। हाँ गाड़ी समीत 40 टन है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं। विपिन इन्हें टायर खोल के दे दे, ये चले जाएंगे फिर, इनके टायर खोल दे बस। तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना भाई साहब से, जो इनके मालिक थे, ड्राइवर भी खड़ा था साथ में, तो वो कह रहे थे कि माल समेत गाड़ी का वजन हो जाता 40 टन, मतलब 25 टन माल का वजन और 12-13 टन गाड़ी का। मैं कहा गाड़ी से तो चलो कोई लेना देना नहीं, हमें तो माल का है। तो मैंने भाई को कहा मैं कोई बात नहीं 25-30 टन तक के हिसाब से इसको प्रेस कर देंगे। दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान रखें, जब भी आप फ्रंट एक्सल करवाएं ना, तो इनके कमानी जो अब ये लटक रही हैं देखो, तो कमानी को नीचे से बैठ के इनको हिला के देख लो, अगर इनके पिन बुश में प्रॉब्लम है तो इनके भी पिन बुश वार्शल वगैरह बिल्कुल टाइट करवा दो। और जो इनके टाई रॉड हैं, टाई रॉड को भी करवाना बहुत ज़रूरी है, अगर टाई रॉड में प्ले है या चाल है तो उसको भी ख़त्म करवाइए आप बिल्कुल, मतलब चाल नहीं रहनी चाहिए दोस्तों, नहीं तो गाड़ी थोड़ी बहुत बबलिंग करती रहेगी। अगर आपकी गाड़ी बबलिंग करती है तो थोड़ा इन चीज़ों पर भी ध्यान दें, इनको भी ज़रूर करवाएँ। तो दोस्तों फ्रंट एक्सल बिल्कुल खोल लिया है, खोल के बस अब इसको पिने वगैरह निकाल के चेक करेंगे। दोस्तों ये पिने वगैरह हम उनकी तो निकालते नहीं, जैसे अब कोई 5-6 महीने पुरानी गाड़ी है तो हमें स्पैंडल खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जैसे ये 5-6 साल हो गए इस गाड़ी को, तो इसको खोल के बिल्कुल चेक किया जाएगा भाई इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो लेकिन जो चाल है वो चाल तो स्पैंडल खोल के ही निकलेगी, तो इसको भी हम दबाने के बाद इसको स्पैंडलों को निकालेंगे। तो चलो फिलहाल इसको निकालते हैं और उसके बाद धोने के बाद दोबारा आपसे मिलता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, बन रही है आप इस वीडियो में। तो दोस्तों ये देखिए आप स्पैंडल में चाल कितनी है, ये देखिए, ये देखो दोस्तों, बताओ कितनी चाल है स्पैंडल में, मतलब। तो दोस्तों ये जो चाल थी ना, ये ही सबसे ज़्यादा टायरों पर इफ़ेक्ट डालती है, स्पैंडल में चाल तो होनी नहीं चाहिए। अगर बुश में दिक्कत है तो बुश चेंज करिए स्पैंडलों के, अगर चाल है तो चाल ख़त्म करिए, चाल तो रहनी नहीं चाहिए। अगर हर 6 महीने बाद 1 साल बाद कोई चाल में प्रॉब्लम मतलब आती है, चाल आती है, तो उसको आप मिस्त्री के पास लेकर जाइए और उसको मतलब ख़त्म करवाइए जैसा भी है। तो इसको मैं यही चेक कर रहा हूँ बार बार, मैं कहा कोई बात नहीं चलो, इसको पिन निकालने के बाद बिल्कुल ऐसा कर देंगे एकदम टाइट, और जब ठोकूंगा आप जब देखना इस पैनल को जब हम ठोकेंगे। तो ठीक है दोस्तों, बन रही है आप इस वीडियो में।
तो दोस्तों सामान वगैरह सारा धुल चुका है और मैं लंच करके आया था अभी, तो विपिन ने पीछे से लंच भी कर लिया और सामान वगैरह भी धो दिया था। तो लेकिन आकर मैंने इसको दोस्तों चेक करा, जब दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकता कि इसमें क्या निकला, तो चलिए आपको बताता हूँ दोस्तों। ये फ्रंट एक्सल ड्राइवर साइड से कम इतना दबा हुआ था, मतलब प्रेस कर रखा था किसी मिस्त्री ने, किसी से भी कराया होगा पता नहीं कहाँ, शायद मेरे ख्याल से इन्होंने देहरादून या ऋषिकेश कहीं इधर की साइड करवाया था फ्रंट एक्सल। तो मतलब इतना दबा रखा था कि अगर इसमें आप 80 टन भी डालोगे ना गाड़ी के अंदर माल ड्राइवर साइड की तरफ, मतलब 80 टन में जाके तब जाके टायर इसका सही चलेगा, मैंने इनको भाई को कहा। और कंडक्टर साइड प्रेस होने वाला था, उधर तो बिल्कुल ही नहीं, मतलब किसी मिस्त्री ने, देखो सबका अपना अपना माइंड होता है, मैं किसी को अच्छा बुरा नहीं कह रहा, सब मिस्त्री हमारे ऐसे ही हैं, हम भी उन्हीं में से एक हैं, लेकिन देखो सबका माइंड अपना अपना है, कोई किसी हिसाब से प्रेस करता है, कोई किसी हिसाब से, तो मैं उसको दोस्तों कम कर रहा हूँ। दोस्तों इंसान गलतियों का पुतला है, कोई बात नहीं, चलो हमारे ऐसे हमारे हम कौन सा दूर के दूल्हे हैं, हमारे से भी कई बार गलती हो जाती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यह है कि चलो अब हमने काम तो सही करके देना है। अब जब तक इसमें दोस्तों कोई दिक्कत, जब तक बिल्कुल सारी सही नहीं हो जाती तब तक इसको प्रेस मैं करता रहूँगा। तो मैंने इसको ड्राइवर साइड से बिल्कुल बराबर कर दिया है और अब मैं इसको बीच में से ही, दोस्तों ये हैवी फ्रंट एक्सल हैं, इसको बीच में से ही दब के ये बिल्कुल सेट आ जाएगा, क्योंकि इतने हैवी फ्रंट एक्सल हैं कि अगर 25 टन में 30 टन में चलना है तो इसको बिल्कुल ओरिजिनल शेप में मैंने कर देना है, जैसे ओरिजिनल आता है उससे हल्का सा मतलब 21 बैंड करके देंगे, जो गाड़ी ये 25-30 टन चलेगी तो टायर बिल्कुल इसके भाई के सही चलें, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और भाई हंसने लग गया, कह रहे 80 टन हमने तो कभी आज तक 40 टन 35 30 टन नहीं भरा, मतलब ओवरलोड का एक टन नहीं फालतू भरा। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने इसको सेट कर दिया। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को, और इसको बस चेक कर लिया है मैंने, चेक करने के बाद इसको बस अब हम ये बिल्कुल ओके कर दिया है, इसको अब हम फ्रंट एक्सल इसका जो स्पैंडल है वो फिट करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, जब तक हम ये इसके स्पैंडल वगैरह बिल्कुल फिट करते हैं और इसको बाहर लेके फिटिंग के लिए चलते हैं, क्योंकि अब सारा काम हो चुका है और मैंने भी आपको सारी चीज़ शेयर कर दी है। तो कई आदमी, चलो मैं कमेंट सेशन भी बाद में लेता हूँ, तो ये भी मैं बता देता हूँ कि कई बंदे मुझे मैसेज करते हैं, सर आप इसके प्राइस भी बताया करिए, मतलब जो आप इनका खर्चा हुआ है। तो खर्चा दोस्तों अब ये सुन लीजिए कि ये नई गाड़ी तो नहीं है, लेकिन चलो 17 मॉडल है, 7-5-12 लगभग, हाँ 5-5.5 साल हो चुके हैं, तो इनका खर्चा ये मान लो कि लगभग, सामान तो थोड़ा बहुत ही आया, लेबर का ही खर्चा लगा है, तो दोस्तों इनका लगभग ऐसा खर्चा आया कोई 3,000-3,500 रुपये। तो कई बार मुझे मैसेज बहुत आते हैं कि सर आप खर्चा भी बताइए, तो देखो फ्रंट एक्सल करने में 3,000-3,500 रुपये खर्चा लगभग, और कोई स्पेयर पार्ट का सामान है तो वो अलग हो जाता है, तो लगभग इतना खर्चा आ गया। इसका टॉय रॉड भी था, कमानी के पिन बुश भी थे और ये फ्रंट एक्सल। तो ठीक है दोस्तों, आइए कमेंट सेशन भी स्टार्ट करते हैं, और पहले अपने जो सब्सक्राइबर हैं ये रामदास वाणी जी लिखते हैं, राम राम पाजी, हैप्पी रिपब्लिक डे, जय जवान जय किसान। तो आपको भी रिपब्लिक डे भाई राम राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमेंट करने के लिए। अगले हैं अपने धर्मिंदर सिंह जी, सत श्री अकाल वीर जी, नाइस जो विपिन वी गुड बंदा ते हार्ड वर्कर आ, बेस्ट विशेज यू ऑल, थैंक यू ब्रदर, बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल जी, हार्ड वर्कर तो बनना ही पैंदा है, 2011 तो मेरे को मेरे नाल काम कर रहे हैं, तो एक बंदे का मैसेज आया था मुझे, अब पता नहीं कौन सी वीडियो पे था मुझे ध्यान नहीं, तो वो बंदे का मैंने मैसेज पढ़ा, कह रहे जी अगर ये आपका भाई है तो इसने बाल क्यों नहीं रखे हुए, और मतलब आपका भाई है तो, मतलब ऐसे उसने मैसेज करा, तो मैं उस भाई को जवाब देना चाहता हूँ। देखो जो हमारे पास बंदा काम कर रहा है वो भाई है चाहे नहीं है, ठीक है, वैसी पहली बात तो ये मेरा भाई नहीं है, दूसरी बात जो हमारी वर्कशॉप में बंदा काम कर रहा है हमारे भाइयों से कम नहीं है, अगर हम नौकर समझ के काम करेंगे तो कभी बंदे में बनी नहीं सकती, ठीक है ना दोस्तों। आप मुझे कमेंट करके बताना, ये उस भाई को मैं जवाब दे रहा हूँ, पता नहीं मुझे किसी ने मैसेज किया था, अब मुझे ध्यान नहीं है, हो गए 5-4 दिन की बात, तो वो कह रहे थे अगर वो आपका भाई नहीं है तो ठीक है, अगर है तो उसने बाल क्यों नहीं रखे हुए। यार जो बंदा अपने पास 11-12 साल से मेरे पास काम कर रहा है, इसे मैंने ही काम सिखाया, देखो बिल्कुल ऐसा नील था ये, मतलब थोड़ा बहुत काम, बस हथौड़ा चाबी पाने ये पकड़ लिए, इसने इतना काम था इसका, तो अब ये थोड़ा सा जैसे जैसे करते रहे हैं तो मैं इसलिए इसे कम ध्यान देता हूँ, क्योंकि जब इससे काम अटक जाता है तो मुझे करना पड़ता है, तो मैंने कहा जब तक तेरे पे हाथ चलता है चला, कोई बात नहीं, जब तू खड़ा हो जाता है तो मुझे बता दो। तो लेकिन मैं भाई को जवाब देना चाहता हूँ, देखो जो भी हमारे पास काम कर रहा है बंदा, तो वो अपने भाई जैसा ही रहता है, चाहे कोई भी है,
चाहे आप भी आओगे कोई भी आएगा तो, लेकिन ये भाई नहीं है, ये अपनी शॉप पर लड़का काम करता है। तो देखो भाइयों जैसा ही सलूक रखते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास नौकर है तो उसको बिल्कुल ही पैर की जूती बना के रखो, ये वाला काम नहीं होता, ना हम करते हैं। भाई बना के रखो, प्यार दो और प्यार लो, ठीक है ना दोस्तों। तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद धर्मिंदर सिंह जी। अगले आपने क्रिएटिव थिंग्स के नाम से, पाजी आप कितना सोलो से कितना सालों से आप ट्रक का काम कर रहे हैं, आपका वॉइस बहुत अच्छा है, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम आसाम। तो सर जी मुझे काम करते हुए हो गए होंगे लगभग 24 से 25 साल समथिंग हो चुके हैं। तो देखो जैसे जैसे काम करते रहते हैं तजुर्बा वैसे वैसे आता रहता है, तो लगभग 24-25 साल हो चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सुभाषीष मंडल जी हैप्पी रिपब्लिक डे, आपको भी हैप्पी रिपब्लिक डे सर जी, और सरस्वती पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। नाइस वर्क पाजी, लव फ्रॉम हावड़ा वेस्ट बंगाल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मिलन डे का भाई लिखते हैं, गुड वर्क पाजी एंड रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, जय हिंद। जय हिंद भाई आपको भी, रिपब्लिक डे की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगले हैं अपने शहजाद खान जी, बहुत अच्छी लगी वीडियो सर जी, आपका काम बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप कमेंट भी करते हो माशाल्लाह तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। महबूब शेख लिखते हैं, वेरी नाइस सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुलजिंदर ढिल्लो जी बहुत प्यार भेजते हैं, धन्यवाद सर जी आपका भी। राहुल कुमार जी लिखते हैं, सर जी जय हिंद, अच्छा काम है फुल डिटेल में। सर जी जय हिंद आपको भी, बहुत बहुत धन्यवाद सर कमेंट करने के लिए। शहजाद खान जी लिखते हैं, रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाई हो सर जी आपको भी, सभी को जितने हमें प्यार करने वाले हैं, नहीं भी करने वाले उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं रिपब्लिक डे की। तो ठीक है दोस्तों, कमेंट सेशन यहीं एंड करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतना प्यार भेजने के लिए। तो दोस्तों फ्रंट एक्सल हो चुका है, बस इसको लेकर चलते हैं और फिटिंग करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। दोस्तों मैं तो मतलब जब आपके कमेंट पढ़ रहा था तो मैं उस टाइम बताना भूल गया, जो मैंने स्पैंडल फिट कराया ना, तो वो आप देख रहे होंगे लगभग 17 मिनट और 40 सेकंड की वीडियो पर आप दोबारा बैक करके वीडियो को देख सकते हैं, जो मैं स्पैंडल कितनी ज़ोर से उसको घुमा रहा हूँ। तो मतलब देखो इतनी टाइट होने चाहिए स्पैंडल, ये नहीं है कि हल्के से हाथ मारा और स्पैंडल कट गया, और स्पैंडल अब गिरेगा नहीं, आप चाहे अब हम स्पैंडलों से ही उठाएंगे। अगर ढीले होते हैं ना दोस्तों तो स्पैंडल से उठाते वक्त फ्रंट एक्सल मुड़ जाता है, घूम जाता है, तो मतलब ये टाइट की निशानी होती है। तो हमने इतने देखो पावर स्टेयरिंग है, हमने तो जब नहीं मतलब जब सादे स्टेयरिंग होते थे हम तो जब भी मतलब टाइट ही रखते थे, उस टाइम तो चलो सादे स्टेयरिंग होते थे लोग जोर जोर से काटते थे स्टेयरिंग को, लेकिन अब तो पावर स्टेयरिंग है, उंगली से ही कट जाते हैं स्टेयरिंग, लेकिन हिसाब होता है हर चीज़ का। तो ये अब हम उठा के रखेंगे इसको और करेंगे फिटिंग। तो ठीक है दोस्तों, आप बने रहिए इस वीडियो में।
तो ठीक है दोस्तों, आप सबका देखने के लिए, वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद बहुत बहुत। और हमने फिटिंग कर दी है, इसका चक्का भी हमने फिट कर दिया है और बिल्कुल काम हो चुका है, बिल्कुल तैयार। और दूसरी साइड का भी दोस्तों बस हम ठुकने के लिए तैयार है बिल्कुल। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी टाइम टू टाइम। तो वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।